हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मार्केट से भी अच्छी और हेल्दी चाउमीन की रेसिपी दूंगी, जिसके लिए हमने यहाँ पर ले लिए 500 ग्राम नूडल्स, 2 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 पत्ता गोभी बारीक कटा हुआ, 2 मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई, 1 गाजर बारीक कटी हुई, 7 से 8 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी डालेंगे, 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और 1 टीस्पून सॉल्ट डालकर नूडल्स को इसमें उबाल लेंगे। 5 से 6 मिनट में हमने ये नूडल्स बॉयल कर लिए। अब हम एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। हरी मिर्च ऐड करेंगे, गाजर ऐड करेंगे, शिमला मिर्च ऐड करेंगे, पत्ता गोभी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटो केचप, ग्रीन चिली पेस्ट, सोया सॉस और चाट मसाला ऐड कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नूडल्स ऐड कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये नूडल अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब लास्ट में हम इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करेंगे और ऊपर से कुछ कच्ची सब्जियां ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। ये चाउमीन मैंने डिश आउट कर लिया है। इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगी, और पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।